वेलकम बैक टू माय वीडियो। आप लोग कैसे, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी अच्छी तरीके से होंगे फ्रेंड्स, और आप लोगों की गार्डनिंग भी अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। ये मेरा लैंटाना का प्लांट है और इसकी लीफ देखिए फ्रेंड्स कितनी छोटी छोटी हो रही थी, और मैं समझ गई कि ये इसकी रूट जो है नीचे से बाउंड हो रही है, और इसमें वाटरिंग भी नीचे जब रूट बाउंड होने से इसमें वाटरिंग जब मैं करती हूँ तो पूरी तरह से इसमें नीचे नहीं जा पा रही थी, और इसमें फ्लावरिंग भी नहीं हो रही। और देखिए इसकी लीफ छोटी छोटी हो रही और पीली पड़ करके लीफ भी गिरने लगी। तो रूट जब बाउंड हो जाती है फ्रेंड्स, तो ये देखिए प्लांट के पीछे से इसकी रूट जो है ये बाहर निकलने लगती है, तो समझ जाना चाहिए कि रूट इसकी जो है बाउंड हो चुकी है। अब इसको मैं निकाल करके आप लोगों को लगा करके मैं दिखाती हूँ। उसके लिए फ्रेंड्स मैंने ये देखी, ये सैंड मिली हुई सॉइल, ये मेरी पहले से तैयार थी, फिर भी मैंने इसमें ये थोड़ी सी सैंड ले लिया है। और ये नीम खली जो है फ्रेंड्स, इसके लिए देखिए मैंने 2 टेबल स्पून ये मैं इसमें ये नीम की खली डाल रही हूँ। और ये फ्रेंड्स ये वुड ऐश जो है ये इंसेक्ट को मारने के लिए बहुत अच्छा काम करता है, और ये एक बहुत अच्छा ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का काम करता है, इसलिए मैं वुड ऐश जो है हर प्लांट में मैं कोशिश करती हूँ डालने के लिए। ये इसकी मैंने ये देखिए फ्रेंड्स ये सॉइल बना लिया है, अब मैं इसको आपको लगा करके दिखा रही हूँ। ओ फ्रेंड्स थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी शुरू हो गई है, अब मैं इसको आपको लगा करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स ये प्लांट को रूट ने चारों तरफ से जकड़ लिया है, इसीलिए फ्रेंड्स इसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, और इसमें फ्लावर भी नहीं आ रहे थे, और इसकी लीफ छोटी छोटी हो रही थी और पीली होकर के गिर रही थी। जब भी फ्रेंड्स रूट बाउंड होने लगती है तो हमको समझ जाना चाहिए कि प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है और प्लांट ठीक तरह से सर्वाइव नहीं कर पाता है। अगर कुछ दिनों तक आपने इसको रूट को अगर आपने इसको निकाला नहीं और प्लांट्स को फिर से रिपोर्ट नहीं किया तो प्लांट्स आपका मर भी सकता है। इसलिए फ्रेंड्स आज मैंने देखा कि इसमें फ्लावरिंग भी नहीं हो रही है और इसकी ग्रोथ भी अच्छी नहीं हो रही है, तो मैंने इसको निकाला। अब मैं इसको रूट सारी ऊपर की रूट सारी हटा करके नीचे मेन रूट जो है उसको छोड़ करके और मैं इसको लगाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स इसमें कितनी सारी जाले जैसे रूट बन जाती है, सबको मैंने ये अलग कर दिया है और मेन रूट को ये छोड़ दिया है। फ्रेंड्स अगर प्लांट पूरी तरह से उसकी रूट अगर जकड़ लेती है तो प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती है, प्लांट्स सर्वाइव नहीं कर पाता है। ये प्लांट्स को उसकी रूट निकाल देने से मरने से बचाता है। फ्रेंड्स जिस तरह से फ्रेंड्स एक प्लांट्स की देख रेख बहुत ज़रूरी होती है लगाने, तो फ्रेंड्स प्लांट को हम लोग लगा लेते हैं लेकिन उसके बाद में कब उसको क्या प्रॉब्लम है, उसकी रूट बाउंड हो रही है, उसको वाटरिंग की कमी है, उसकी लीफ पीली क्यों पड़ रही है, हर तरह से फ्रेंड्स इसका ध्यान रखना पड़ता है, तब प्लांट्स जाकर के सर्वाइव करता है। आप देखिए फ्रेंड्स इसमें रूट बाउंड होने की वजह से मैं ऊपर से वाटरिंग करती थी तो नीचे तक इसमें बिल्कुल पानी नहीं जा रहा था, और ये प्लांट्स मेरा ठीक से हरा तो था लेकिन इसकी लीफ जो है छोटी छोटी सी थी, इसमें फ्लावरिंग भी नहीं हो रही थी और इसमें नीचे तक बिल्कुल पानी नहीं जा रहा था। और बेस्ट सॉइल बनाने के लिए फ्रेंड्स ये मेरी सैंड मिली हुई पहले से सॉइल थी और इसमें पुरानी गोबर की खाद मिली, फिर भी मैंने इसमें थोड़ी सैंड मिलाया, और ये फ्रेंड्स नीम की खली और वुड ऐश इन सब का मैं मिक्सचर बना करके इसमें डाल करके अब ये प्लांट्स मैं लगाने जा रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स ये प्लांट्स को मैंने रीपॉट कर लिया है, अब मैं इसमें वाटरिंग कर रही हूँ। वाटरिंग करने के बाद फ्रेंड्स इसको 2 दिन के लिए मैं इसको शेड में रखूँगी, उसके बाद मैं इसको वापस मैं सनलाइट में लाऊँगी, तब फ्रेंड्स उसके बाद आप देखिएगा कि कितनी जल्दी ये प्लांट सर्वाइव करता है और इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है। किसी भी प्लांट्स की फ्रेंड्स रूट बाउंड होने पर उसको फ़ौरन रिपोर्ट कर देना चाहिए, वरना प्लांट्स जो है बहुत जल्दी मर जाता है। और फ्रेंड्स सॉइल का मिक्सचर ऐसा बनाना चाहिए कि पानी जो है वो फ़ौरन ड्रेन आउट हो जाए। ओके फ्रेंड्स अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। हैप्पी गार्डनिंग।